Welcome to Reliable World. I am Dr. Ashok Kumar. I am going to explain jumble words or reordering of sentences. Dear students, it is our fifth part. Since jumble words are very important questions, but very difficult questions. Jumble words are to be arranged, and such type of questions are asked in all the examinations. दूसरी तरफ जंबल वर्ड्स को अरेंज करने में यानी रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज में स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं और स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स लूज करने का ये एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ पर कि स्टूडेंट्स को मार्क्स लूज करना यानी गलती करना ही करना होता है और इस कारण से हम लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर फोकस किया है एंड वी आर हैप्पी दैट टुडे वी आर गोइंग टू रिलीज फिफ्थ पार्ट ऑफ जंबल वर्ड्स. जंबल वर्ड्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले ही कुछ रूल्स वगैरह भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड स्लैश my slash I slash the slash journey slash started slash save slash ago slash two slash years slash five. So first of all we have to find out subject in this sentence. So subject is I and then a principal verb. Principal verb means main verb is started. तो आई स्टार्टेड. अब इसका ऑब्जेक्ट खोजने का प्रयास करेंगे तो माई जर्नी ऑब्जेक्ट है. तो और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट को ग्रेजुअली इसमें सेट करना है तो आंसर क्या हो जाएगा. आई स्टार्टेड माई जर्नी टू सेव द वर्ल्ड फाइव ईयर्स अगो. नाउ क्वेश्चन नंबर टू. आई स्लैश बी स्लैश always slash two slash environmentalist slash wanted slash an. Obviously the subject is I और इसमें principal verb हो जाता है wanted लेकिन adverb of frequency है और इसलिए ये principal verb के पहले आएगा. I always always एक adverb of frequency यहाँ पर है तो इसलिए आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन इन्वायरमेंटलिस्ट. आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन इन्वायरमेंटलिस्ट. ना क्वेश्चन नंबर थ्री. स्टीव इरविन स्लैश बाय स्लैश आई स्लैश इंस्पायर्ड. द करेक्ट आंसर इज I was inspired by Steve Irwin. Next, question number 12 का वन. Playgrounds slash physical slash in slash campus slash education slash is slash and slash imparted. तो इसका सब्जेक्ट अगर खोजने का प्रयास कीजिए तो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन और उसके बाद ऑक्सिलरी भाव तब थर्ड फॉर्म ऑफ भाव. फिजिकल एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन प्ले ग्राउंड्स एंड कैंपस. तो इट इज द करेक्ट आंसर. फिजिकल एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन playgrounds and campus. Next question number 2. Games slash student slash is slash by slash it slash method slash which slash through slash
स्लैश एक्टिविटीज स्लैश अ स्लैश गोज स्लैश एंड स्लैश फिजिकल. द करेक्ट आंसर वुड बी इट इज अ मेथड बाय विच अ स्टूडेंट गोज थ्रू गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 12 का क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शन स्लैश इन स्लैश अबाउट स्लैश द स्लैश बिहेवियर स्लैश इट स्लैश अ स्लैश ब्रिंग्स स्लैश चेंज स्लैश इन स्लैश डिजायर्ड स्लैश द. द करेक्ट आंसर इज इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर इन द डिजायर्ड डायरेक्शन. क्योंकि सब्जेक्ट इसमें इट हो गया और फिर प्रिंसिपल भाव ब्रिंग्स. इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर इन द डिजायर्ड डायरेक्शन. तो सब्जेक्ट और भाव के बाद कॉम्प्लीमेंट को एडजस्ट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का 1, राम स्लैश इनवाइट स्लैश टू स्लैश डिड स्लैश हिज स्लैश नॉट स्लैश फ्रेंड्स स्लैश हिज स्लैश पार्टी स्लैश बर्थडे. द करेक्ट आंसर वुड बी सब्जेक्ट इज राम एंड देन इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस. सो राम डिड नॉट, तो चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है राम के बाद डिड नॉट सिंपल पास्ट सेंटेंस टेंस में है तो इसलिए PV1 का यूज होगा. तो राम डिड नॉट इनवाइट. अब उसके बाद ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स. तो टोटल आंसर हो गया राम डिड नॉट इनवाइट हिज फ्रेंड्स टू हिज बर्थडे पार्टी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिड स्लैश वेन स्लैश क्लब स्लैश यू स्लैश ज्वाइन स्लैश दिस. तो क्वेश्चन मार्क इज ऑल्सो प्रेजेंट. इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इस कारण से सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेन का यूज होगा वेन और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब तब सब्जेक्ट रखना पड़ेगा. तो वेन के बाद सिंपल पास्ट में सेंटेंस है और इस कारण से ऑक्सिलरी वर्ब डिड का प्रयोग होगा. वेन डिड तब सब्जेक्ट यू और उसके बाद V1 ज्वाइन. वेन डिड यू ज्वाइन उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस क्लब. तो टोटल आंसर इज वेन डिड यू ज्वाइन दिस क्लब. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द स्लैश इनॉगुरेटेड स्लैश प्रिंसिपल स्लैश द स्लैश एग्जीबिशन स्लैश साइंस स्लैश लास्ट स्लैश वीक. तो सब्जेक्ट हो गया द प्रिंसिपल और उसके बाद V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है. V2 यहाँ पर है इनॉगुरेटेड और उसके बाद ऑब्जेक्ट द साइंस एग्जीबिशन और तब लास्ट में एडवर्ब लास्ट वीक. द प्रिंसिपल इनॉगुरेटेड द साइंस एग्जीबिशन लास्ट वीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का 1, आस्क्ड स्लैश राम स्लैश ज्वाइन स्लैश मी स्लैश वुड स्लैश वेन स्लैश आई स्लैश देयर स्लैश पार्टी. तो द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस वुड बी राम. राम आस्क्ड मी. तो देयर आर टू क्लॉजेज ऑफ द सेंटेंस. वन क्लॉज राम आस्क्ड सब्जेक्ट के बाद भाव. राम आस्क्ड आस्क्ड भाव है यहाँ और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी. राम आस्क्ड मी एक क्लॉज हो गया. दूसरा सबॉर्डिनेट क्लॉज भी इसमें है. ये राम आस्क्ड मी प्रिंसिपल क्लॉज हो गया. एक सबॉर्डिनेट क्लॉज भी इसमें आएगा. सबॉर्डिनेट क्लॉज
का बिगनिंग जो है सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के साथ होगा, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन भी इस सेंटेंस में प्रेजेंट है व्हेन। तो टोटल आंसर क्या हो गया, राम आस्क्ड मी व्हेन, सबॉर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट है आई, व्हेन आई, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब वुड, तब प्रिंसिपल वर्ब ज्वाइन, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट देयर पार्टी। तो टोटल आंसर इज राम आस्क्ड मी व्हेन आई वुड ज्वाइन देयर पार्टी, राम आस्क्ड मी व्हेन आई वुड ज्वाइन देयर पार्टी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस है, कंटेंस टू क्लॉजेज, वन इज प्रिंसिपल क्लॉज, अनदर इज सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज ये फर्स्ट वाला है राम आस्क्ड मी, सबॉर्डिनेट क्लॉज सेकंड वाला है व्हेन आई वुड ज्वाइन देयर पार्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, यू स्लैश वांट स्लैश इफ स्लैश टू स्लैश मार्क्स स्लैश शुड स्लैश गेट स्लैश यू स्लैश वुड स्लैश रीड स्लैश टुगेदर विथ इंग्लिश। सो वी हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड देन वर्ब, देन इन्फिनिटिव इज प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस एंड सो द सेंटेंस वुड बिकम इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स यू शुड रीड टूगेदर विथ इंग्लिश, यू शुड रीड टूगेदर विथ इंग्लिश। अगेन देर आर टू क्लॉजेज ऑफ द सेंटेंस, इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स सबॉर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज, यू शुड रीड टूगेदर विथ इंग्लिश प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, नो बडी स्लैश लीव्स स्लैश नोज स्लैश नाउ स्लैश वेयर स्लैश ही, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब नाउ, नाउ नो बडी नोज इंडेफिनिट प्रोनाउन नो बडी वुड कम फर्स्ट, नाउ नो बडी नोज प्रिंसिपल वर्ब नोज वेयर ही लिव्स, नाउ नो बडी नोज वेयर ही लिव्स, अगेन द सेंटेंस कंटेन्स टू क्लॉजेस, नाउ नो बडी नोज प्रिंसिपल क्लॉज वेयर ही लिव्स सबॉर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वन एज स्लैश वर्क स्लैश अ स्लैश टू स्लैश स्टूडेंट स्लैश हार्ड स्लैश यू स्लैश टू स्लैश मस्ट स्लैश बी स्लैश सक्सेसफुल एज टू, द करेक्ट आंसर वुड बी एज टू अ स्टूडेंट यू मस्ट वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल, एज टू अ स्टूडेंट यू मस्ट वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। क्वेश्चन नंबर टू, हु स्लैश माई स्लैश कैन स्लैश इन स्लैश बीट स्लैश वर्क स्लैश मी, इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस वुड बिगिन विथ एन इंट्रोगेटिव वर्ड क्वेश्चन वर्ड हु, आफ्टर दिस क्वेश्चन वर्ड हु वी हैव टू पुट अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देन अ मेन वर्ब। तो हु मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन इज कैन, तो हु कैन एंड देन मेन वर्ब वी वन बीट, हु कैन बीट देन ऑब्जेक्ट मी, हु कैन बीट मी देन कॉम्प्लीमेंट इन माई वर्क, हु कैन बीट मी इन माई वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, ऑलवेज स्लैश हेल्प्स स्लैश
आदर्श स्लैश सी स्लैश इन नीड. द करेक्ट आंसर विल बी इन नीड सी ऑलवेज हेल्प्स अदर्स. वंस अगेन, इन नीड सी ऑलवेज हेल्प्स अदर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 1. राम स्लैश ही स्लैश अवेयर स्लैश आस्क्ड स्लैश वॉज स्लैश ऑफ स्लैश मोहन स्लैश हिज स्लैश इफ स्लैश रिजल्ट. अगेन द सेंटेंस कंटेंस टू क्लॉजेस. Actually, it was an interrogative sentence, but has been converted into indirect speech. There are two clauses of the sentence. One clause is principal clause, another is subordinate clause. The principal clause will take place. Ram, subject Ram, then V2, asked. Ram asked, then object Mohan. The principal clause is Ram asked Mohan. Another clause will be subordinate clause. Subordinate clause will begin with a subordinate conjunction. So, subordinate conjunction here is if. The if, now subject of subordinate clause, he, now auxiliary verb, was aware of his result. Total answer kya ho gaya? Ram asked Mohan if he was aware of his result. दो क्लॉज हो गया, एक क्लॉज प्रिंसिपल भाव, एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज राम आस्क्ड मोहन, दूसरा क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ से स्टार्ट होता है, इफ ही वॉज अवेयर ऑफ हिज रिजल्ट. टोटल आंसर राम आस्क्ड मोहन इफ ही वॉज अवेयर ऑफ हिज रिजल्ट. क्वेश्चन नंबर 2. सी स्लैश इन स्लैश इज स्लैश अ स्लैश गोइंग स्लैश क्विज स्लैश टू स्लैश कॉम्पिटिशन स्लैश पार्टिसिपेट. द करेक्ट आंसर इज सी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ क्विज कॉम्पिटिशन. वंस अगेन, सी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट in a quiz competition. Question number 3 of 16. Any slash, two slash, am slash, I slash, ready slash, face slash, challenge. The subject in the sentence is I, then auxiliary verb has come as a main verb. I am ready to face any challenge. Once again, I am ready to face any challenge. With this, I thank you for watching Reliable World. Dear students, you must subscribe this channel, educational channel, Reliable World, so that its educational videos can easily reach up to you. Thank you for watching Reliable World once again. Yeah.